नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूंगा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के विषय पर। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की समस्याओं के बारे में, इस बीमारी की कुछ बुनियादी और मौलिक जानकारी के बारे में और इसके निदान के लिए जरूरी जांच और टेस्ट के बारे में। इस बीमारी में स्वादुपिंड यानी कि पैंक्रियास पर लंबे समय का सूजन होता है। पैंक्रियास पाचन तंत्र का एक अंग है जो पेट के ऊपरी हिस्सों में लीवर के नीचे और जठर के पीछे स्थित होता है। पैंक्रियास खुराक के पाचन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। ब्लड शुगर के कंट्रोल के लिए इंसुलिन और अन्य हार्मोन भी पैंक्रियास पैदा करता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती है और पैंक्रियास पे इरिवर्सिबल यानी कि ठोस बदलाव होते हैं। समय के साथ पैंक्रियास पर इतना असर होता है कि वो ठोस, कड़ा और संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया में पैंक्रियास की मुख्य नली एक या अनेक जगह पर सिकुड़कर संकुचित हो जाती है, खास करके उसके आंत में खुलने की जगह के पास में। समय के साथ इस नली के अंदर पथरी बनना शुरू होता है। इसकी वजह से खुराक के बाद पैंक्रियास के रस को आंत में जाने में रुकावट पैदा होती है। आखिरकार पैंक्रियास की पूरी मुख्य नली चौड़ी हो जाती है और पथरी से भर जाती है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के मरीजों को क्या तकलीफ होती है? क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का सबसे अहम लक्षण होता है लंबे समय का पेट का दर्द। पेट का दर्द शुरुआत में आंतरायिक होता है यानी कि रुक रुक के होता है, पर समय के साथ दर्द ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है और कई मरीजों में दर्द कॉन्स्टेंटली बना का बना रहता है। दर्द पेट के ऊपरी हिस्सों में नाभि और छाती के बीच में होता है। काफी तेज दर्द होता है, जैसे किसी ने चूरा बोंक दिया हो। कई मरीजों में दर्द पीछे कमर की ओर भी फैलता है। सामान्य तौर पर खुराक लेने के बाद यानी कि खाना खाने के बाद दर्द उठता है, खासकर चर्बी युक्त खुराक के बाद में। खाने के बाद दर्द इसीलिए होता है कि खुराक के पाचन के लिए जो पाचक द्रव्य पैंक्रियास से छूटते हैं वो पैंक्रियास की नली के अंदर जमा हो जाते हैं और नली के प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे समय जाता है दर्द और तीव्र हो जाता है और बना का बना रहता है, और कई बार दर्द इतना तीव्र होता है कि मरीज बेहाल हो जाता है। कड़े और सूजन वाले पैंक्रियास के अंदर नव एंट्रैपमेंट की वजह से इस तरह तेज दर्द बना का बना रहता है। ऐसे कई मरीज रोजाना रेगुलरली पेन किलर दवाइयाँ लेते हैं और इसके बावजूद पेन को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। कई मरीजों को दर्द इतना परेशान करता है कि एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। जब पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करता है तब शरीर खुराक के पाचन का काम ठीक से नहीं कर पाता है। इसकी वजह से खुराक से जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। आखिरकार कुपोषण, नर्म हड्डियां और दृष्टि में कमी होने जैसी समस्याएं खड़ी होती है। चिकनी, बदबूदार और चर्बी युक्त टट्टी होना, वजन में कमी होना, ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के आखिरी स्टेज में देखने को मिलता है। ये स्थिति दर्शाता है कि पाचक द्रव्यों को बनाने के लिए उपयुक्त मात्रा में पैंक्रियास के नॉर्मल हेल्दी सेल्स अभी नहीं बचे हैं। पैंक्रियास के डैमेज की वजह से डायबिटीज भी हो सकता है और ब्लड शुगर के कंट्रोल के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कुछ मरीजों को पीलिया यानी कि जॉन्डिस होता है। पित्त की नली का निचला हिस्सा पैंक्रियास में होते हुए आंत में खुलता है और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में जैसे पैंक्रियास सिकुड़ता है तो वो पित्त की नली के इस भाग को बाहर से दबाव डालता है। इसकी वजह से लीवर से आंत में जा रहे पित्त के प्रवाह में रुकावट होता है और पीलिया होता है।
कुछ मरीजों को सुडोसिस नाम की समस्या होती है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रियास की नली में लंबे समय के रुकावट और बढ़े हुए प्रेशर की वजह से पैंक्रियास की नली एक जगह से टूट जाती है। इसकी वजह से पाचक द्रव्य वहां से लीक होते हैं और आसपास की जगह में डैमेज करते हैं और सिस्ट बनाते हैं। कुछ मरीजों को स्प्लेनिक वेन में खून जमने की समस्या, जिसे स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वो होता है। स्प्लेनिक वेन पैंक्रियास के बराबर पीछे स्थित होता है और पैंक्रियाटाइटिस में इस वेन को डायरेक्ट डैमेज होता है। इस स्थिति की वजह से स्प्लीन बढ़ना और खून की उल्टी होने जैसी समस्या की संभावना रहती है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के निदान और उसके इलाज के प्लानिंग के लिए कौन कौन सी जांचें होनी चाहिए? सीटी स्कैन के अंदर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के मरीजों में पैंक्रियास संकुचित और पैंक्रियास की मुख्य नली चौड़ी पाई जाती है। पैंक्रियास की नली के अंदर पथरी है या नहीं, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। कई बार पैंक्रियास की नली के बाहर पैंक्रियास के अंदर या नली के साइड ब्रांचेस के अंदर पथरी होती है, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन जैसे जॉन्डिस, सुडोसिस्ट, स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस, स्प्लीन बढ़ना, उसके बारे में भी जानकारी हमें सीटी स्कैन के अंदर मिलती है। ये सारी जानकारी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के इलाज के प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है। एमआरसीपी एक खास तरह का पेट का एमआरआई होता है। एमआरसीपी पैंक्रियास की नली के अंदर पथरी, साइड ब्रांच की पथरी, सबके बारे में काफी बारीकी से जानकारी देता है। एमआरसीपी में हमें ये भी पता चलता है कि पित्त की नली नीचे से सिकड़ी और ऊपर से चौड़ी हुई है या नहीं। ये सारी जानकारी इलाज के प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी होती है। आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी बीमारी को समझने में मदद रूप रहा होगा। आप हमारा दूसरा वीडियो जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के इलाज के विकल्पों के बारे में है, वो भी देख सकते हैं।